मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। कानपुर के सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेला लगाया गया, जहां पर सुपरक्लाउड प्राइवेट लिमिटेड, वेंसपन इंडिया लिमिटेड, गुजरात ब्राइट फ्यूचर, ऑर्गेनिक हर्बल आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, फैसिलिटी एंड मेन पावर सॉल्यूशन सहित तमाम कंपनियां रही। वहीं सहायक रोजगार अधिकारी इतिशा जैन ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि रोजगार कार्यालय में कंपनियां आकर लोगों को रोजगार दे रही है। 10,000 से लेकर 18,000 तक से सैलरी रखा जाता है। कानपुर से संवाददाता मुजम्मिल अहमद की खास रिपोर्ट। मेला लगा है, यहाँ पे कितनी कंपनियां आई और कितने बच्चों को जो है रोजगार दिया गया है? आज प्रादेशिक सेवा योजन कार्यालय में 28 मई को रोजगार मेला आयोजन किया गया है। इसमें 5 कंपनियों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें कि हम लोग सैलरी 9,000 से 18,000 तक प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चे कक्षा 8 से लेकर स्नातक, BCom, ITI ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कंपनी वेल्सपन इंडिया है और यशिका फैसिलिटी है, ये कक्षा 8 के बच्चों को मौका दे रही है। साथ ही इसमें अब तक 256 वैकेंसी उन्होंने दी हैं और अभी तक 300-400 बच्चे प्रतिभाग कर चुके हैं। साथ ही और बच्चे आ रहे हैं और अभी जो है इंटरव्यू चल रहा है, फाइनल रिजल्ट अभी आना। मैम, इसके पहले भी बहुत सी कंपनियां आई और आती जाती रहती है, लेकिन कुछ बच्चों की ये रहता है कि कंपनी यहाँ से इंटरव्यू ली, फिर इसके बाद 2-3 दिन बाद उनको वहाँ से फिर निकाल देती है, फिर वो इस तरह का, फिर वो दोबारा फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस फिर यहाँ से ले जाएगी, फिर वहाँ, इस तरह से ये प्रश्न भी लगातार उठ रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में यही है कि हमारा कार्यालय एक माध्यम है जो बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। बाकी कंपनी के बाद अगर वो कई बार बच्चे खुद ही नहीं जाते हैं या फिर उन्हें वो कार्य समझ ना आए तो वो छोड़ देते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कार्यालय अभी नहीं ले सकता। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि मेले आयोजित हों, बच्चे आए, ताकि तो अगर उन्हें कंपनी नहीं समझ आ रही है तो वो दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि आते ही हैं और अपनी मनचाही कंपनी में प्रतिभाग कर सकते। उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से रोजगार देने का वादा कर रही है, इसको देखते हुए आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में लगभग किस तरह से इस तरह का जो रोजगार मेला लगता है, कब कब लगता है और लगभग कितने लोगों को दिया जाता है रोजगार? अभी तो इसलिए क्योंकि सरकार यही कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, तो अभी हम कोशिश यही करते हैं कि हर हफ्ते एक लग जाए, और नहीं भी तो मतलब महीने में 3 या 4 तो लग जाए और एक बेहद मेला सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।